हेलो जी, सलाम आदाब नमस्ते सत श्रीकाल ते जय साईं जी दी। मेरे वालों मैं तुहाडा अपना देव हीर ते तुसी देख रहे हो जी मेरा यूट्यूब चैनल देव हीर व्लॉग्स। ते जे तुसी इस चैनल ते पहली बारी आए हो तां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो ते बैल आइकन नूं ऑन करना ना भुल्लियो ताकि तुहानूं आउण वाली हर इक नवीं वीडियो दी अपडेट अपने मिलदी रहे। ते आओ शुरू करदे हां जी अज दा किस्सा। अज दा किस्सा बहुत सोहना किस्सा है ते बहुत कह सकते हैं कि एक पल्ले पैण वाली गल जिहड़ी हुंदी ना बहुत जरूरी हुंदी आ, रमज वाली गल ये उन्हां लई आ। किस्सा साढ़े अपनी एक मुंडे का गल इदां कि अज तो काफ़ी साल पहला जिस दरबार से असी सेवा करते हैं जिथे असी रहने हाँ उस दरबार से वीरवार वाले दिन ना एक मुंडा आया, उन्हें सलाम की, सलाम करके वह कित बाहर बैठा अपने शू पा रहा सी। ते असी किते जाना सी, उदों असी तीन चार जाने से असी किते जाना सी ते असी गड्डी दी वेट कर रहे सी। ते उस मुंडे नूं पता सी कि इस दरबार दे विच जिहड़ी देख रेख आ जो सेवा करदे आ उह इह भाजी करदे ने, हैना वी मैं करदा आ। सो उन्हें मैनूं दूरों सलाम की, मैं भी जवाब दिता। असी गड्डी दी वेट करदे सी, उह मुंडा बैठा सानूं देखी गया। जदों उहदे दिल च गल आई, उन्हें आके मैनूं पुछा, कहिंदा जी जे किते जाना तां मैं चलां नाल, मेरी गड्डी खड़ी आ। तां मैं मुंडिआं वल देखिआ कि देख लैंदे आ, असी कहा भी चल चलदे आ। उह गड्डी ले आया जी, असी उहदे नाल बैठ के गड्डी दे विच जिथे जाना सी उत्थे गए। तां साडी इदां जाण पछाण वध गई, उह हर वीरवार मुंडा आउण जाण लग पिआ, आउंदे जांदे आउंदे जांदे आउंदे जांदे साडा प्यार पै गिआ, क्योंकि साईं लाडी शाह सरकार जी का बहुत वधिया बहुत तकड़ा मरीज सी उह मुंडा, साडा प्यार पै गिआ। तां करदे 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 उहने मेरे नाल अपनी दिल की एक गल सांझी कीती, क्योंकि वह जो आउंदा सी वीरवार वह देखदा सी कि इन्नी दुनिया आउंदी आ, इन्ने लोग आउंदे ने कि तुहाडे कोले आके सब लोग अपने कोई ना कोई दुख तकलीफ सांझी करदे ने कि साडे वास्ते अरदास करिओ, ते तुसीं उन्हां दी अरदास करदे भी हो ते साईं लाडी शाह सरकार लखदाता सरकार गौस पाक सरकार तुहाडी अरदास कबूल करदे ने ते लोकां दे कम बणी जांदे ने। मैं कहिंदा बहुत देर दा देखदा कि लोग जे अज आउंदे ने तां अगली वारी उह डब्बा लै के आउंदे ने कि साडा कम हो गया। कहिंदा मेरे दिल दे विच इक गल आ। मैं कहा पुछ की गल आ? कहिंदा जी मैं दुकान दे विच बैठदा आ, मेरी अपनी कहिंदा दुकान आ करियाने दी काफ़ी सालों तो। उन्हें अपनी सारी गल दसी। मैं कहा ओके, पर कहिंदा हुण मैं थक गया दुकान च बह बह के कल्ला आ, मैनूं बहुत टेंशन रहिंदी आ, किते आ जा भी नहीं सकदा, तां मैं चाहुंदा कि मैं अपनी दुकान जिहड़ी आ सेल करनी आ। चलो जी मैं कहा कोई गल नहीं, मैं अरदास करूँगा। टाइम लंघी गया लंघी गया लंघी गया, फिर वह कहिंदा कहिंदा जी कृपा करो भी तुसीं अरदास नहीं कीती, मेरी दुकान नहीं सेल हो रही। मैं कहा मैं अरदास करूँगा। उन्हें जो भी आना मैनू पुछना, मैं कहना मैं अरदास करूँगा। करते करते वह कहिंदा जी इदा किवें हो सकता जी, मैं इन्ने सालों तो मैं आ रहा, मैं अपनी अखां नाल बहुत लोग देखे ने, अज आए ने, कल नूं उन्हां दी गल पूरी होई तो डब्बा च लैके आ गए, तो मेरी वारी तुसीं अरदास करी जांदे तो मेरी साईं लाडी शाह सरकार मेरी क्यों नहीं सुनदे? चलो जी करते करते मेरे दिल च एक गल आई, मैं कहा यार मेरी गल सुन, मैनू एक गल का जवाब दे भी तूं कदी साईं जी नूं देखिया, कदी मिलिया साईं जी नूं? कहिंदा हाँ जी। जदों उन्हें हाँ जी किया तो मैं बड़ा खुश होया, मैं कहा दस फिर कदों मिलिया? कहिंदा उस टाइम मैं स्कूल पढ़ता हुंदा सी, मैं स्कूलों बंक करके मत्था टेकण गए सी, उदों मत्था टेकण भी नहीं सी गए, कहिंदे पता नहीं सी हुंदा इन्हां बारे भी कौन ने, सिर्फ इदां गए सी कि बस बंक मारिया ते किसे दरबार ते मत्था टेकण चले आ। मैं कहा फिर? कहिंदा साईं जी बैठे सी तां असीं मत्था टेकिया, कहिंदा साईं जी ने मैनूं ना पेन फड़ाया इक। जदों उन्हें कहा ना भी साईं जी ने मैनूं एक पेन फड़ाया, तां मैं उन्हूं कहा भी जे साईं जी ने तैनूं पेन फड़ाया ना फिर हुण तू दुकान वेचनी भुल जा, भी जद तक तेरी मर्जी आ ना उद तक तां दुकान नहीं विकदी, क्योंकि साईं लाडी शाह सरकार ने जे तैनूं पेन फड़ाया उन्हां दे पेन फड़ाउण दा मतलब यही आ भी हाले फड़ पेन ते बह के हिसाब किताब करी चल। ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੌਂ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਵੇਰੇ
ठीक है जी, रात तक बैठता रहना, मैं लिखी जाना की आ गया की रहना, किनू कल किन्ने पैसे देने कि तो किन्ने लेने ने, यही चली आ रहा। मैं कहा भाई ये साईं जी ने तेन पेन दिता होया था, इनू तो मैं छड़ तू कोई होर भी नहीं रोक सकता, जिन्हू साईं जी ने पेन देता तो एक ड्यूटी ते लाता। मैं कहा हूँ तू दुकान नू भुल जा। मैं कहा पर हूँ तू ये देख साईं जी का नाम लैके उस दुकान नू नवे तरीके नाल तैयार कर। फिर उस दुकान दे विच LCD लगवाई, AC लगवाया, पेंट करवाया, उन्हूं बाहर AC वास्ते शीटा लवाइयां, भी मजे नाल बैठ, हुण तू टेंशन नाल नहीं, हुण तू इश्क नाल बैठ कि साईं जी ने बख्शिया होया काम आ ते उस तरीके नाल चलना आ। उहदी सोच थोड़ी बदल गई कि हाँ कि साईं जी ने मैनूं इह काम बख्शिया होया। इह किस्सा जे तुहानूं चंगा लग्गिया होवे तां लाइक कमेंट ते शेयर करना ही करना आ। पर इस किस्से तो यह गल जरूर समझो कि साईं जी जो भी करते हैं वह अपने चंगे वास्ते करते हैं। तो ये गल मैं जरूर दस्यो कि तुहानू भी साईं जी ने कोई ना कोई चीज़ इदा दी है कि नहीं दी। जय साईं जी दी।